नमस्कार, मैं हूं शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर अमरोहा से है। दरअसल मामला यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला के नेशनल हाईवे 9 का है, जहां पर बाइक सवार दो युवक घर से बैंक के किसी काम से निकले थे। गजरौला पहुंचने पर हाईवे 9 ओवरब्रिज के पास अचानक दो फोर व्हीलर गाड़ियों में आमने सामने टक्कर हो गई। उनमें से एक गाड़ी कूदकर उन दोनों बाइक पर जा युवकों के ऊपर जा गिरी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और दोनों युवकों को गजरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मृतक युवक का नाम संतरपाल सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी पीपली मौसमपुर थाना रजबपुर व घायल युवक का नाम ओबिंदर पुत्र सतपाल सिंह निवासी कोराला बताया जा रहा है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल युवक को उपचार के लिए रेफर कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये तो अभी कार दुर्घटना हुई है, ये कैसे कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं? अरे साहब, भिलोरा वाले ने पहले से, मैंने बैरिकेड के उधर से ही देखा, साइड से मैंने बोला साहब गाड़ी ठोक रहे हैं, इतना करते ही मैंने जैसे वो किया उतने में आके ठोक दिया। और साहब को चोट लग गई है पेट में, उधर कहीं दुकान पे बैठे हैं। साहब किसके साथ थे? साहब तो हमारे साथ ही थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे? कितने लोग सवार थे आपकी कार में? साहब थे एक, मैं था, दो आदमी। तो जो साहब है उनका क्या नाम है? साहब का संजय भट्टाचार्य। कंपनी से कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। किसी कंपनी में जॉब करते हैं? हाँ, फील्ड का काम है साहब का। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? सर मुरादाबाद जा रहे थे, मुरादाबाद से फिर कल बरेली जाते, फिर परसों जो है बरेली से दिल्ली।